हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ईश्वरीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी स्पेशल दाल चावल, जो ये 5 से 6 लोगों को सर्व करेगा। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं दाल के। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम दाल डालेंगे। और दाल डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब ये अच्छे से वॉश हो जाएगा, हम इसका पानी को ड्रेन आउट कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें वॉश दाल डालेंगे और फिर हम पानी डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक और हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे कटा हुआ टमाटर और इसको लिड से कवर करेंगे और इसमें 2 से 3 विसल आने देंगे। अब हम हमारा तड़का तैयार कर लेते हैं। ये तड़के के इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें हम सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सरसों और उसको क्रैकल होने देंगे। जब ये क्रैकल हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे हमारे कड़ी पत्ता और इसको टॉस करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये मेरी बचपन से फेवरेट है दाल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेथी दाना और फिर से हम इसको टॉस करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ग्रेटेड जिंजर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हींग और फिर से इसको हम टॉस करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ प्याज और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको हम कुक होने देंगे जब तक हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता गोल्डन ब्राउन तक। लिड से कवर करें और 5 से 7 मिनट तक के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। लिड को रिमूव करेंगे और अच्छे से हम फिर से मिक्स करेंगे इसे और चेक करेंगे हमारे प्याज अब रेडी है कि नहीं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। इसमें सांभर का टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ। फिर हम डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्ची, हमारा धनिया पाउडर। फिर हम डालेंगे इसमें अमचूर और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का अब तैयार है। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से और पकने देंगे। 1-2 बॉयल आने देंगे हम इसमें। फिर हम अपना कुकर खोलेंगे और हम देखेंगे हमारी दाल भी अब रेडी है। अब ये हम जो दाल है ये तड़के में डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम तक पकने देंगे। हमारी दाल अब तैयार है। आप इसको जीरा राइस के साथ या बॉयल राइस के साथ सर्व करिए एंड एंजॉय। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड टिल देन फॉलो अस। थैंक यू।